हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक हैं और खुशहाल हैं अपने घर में और सेफ हैं, सेफ एंड साउंड हैं। तो चले आज मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। वैसे ये मेरी मम्मी का चैनल है, मैं कभी कभार इसमें वॉइस ओवर कर देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हमने इधर थोड़ी सी शॉपिंग की थी आउटसाइड से, आल्डी से। बहुत ही ज़्यादा रश नहीं था और स्टॉक बिल्कुल नहीं था उस दुकान में, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि ये वायरस जो है बहुत ही ग्लोबली अफेक्ट किया है हमें, और हमें चाहिए कि अब इस वक्त हमें दुआ करना चाहिए, हम सब मिलकर दुआ करना चाहिए कि ये वायरस जल्दी से हट जाए ताकि हम बैक टू रूटीन आ जाए। क्योंकि मैं तो कॉलेज में हूँ और मेरा तो इस ये साल स्टेट एग्ज़ाम था जिसने कैंसल्ड हो चुका है इस वक्त, और बहुत ही ज़्यादा बुरा जा रहा है वक्त। जिन लोगों को जिसके पास मनी नहीं है और किसी के घर में डेथ हो रही है, ये बस अल्लाह का एक बहुत बड़ा अजाब आया है हमारे ऊपर। बस अल्लाह ही रहम करे। हमें चाहिए कि हम रेगुलरली कुरान पढ़ें और ज़िक्र करते बैठें ताकि हम भी सेफ़ रहें और साउंड रहें। आजकल के हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि आप सबको पता है। ये सिर्फ एक रीज़न नहीं है। पास के घर में तो पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी जिसके घर में पैसे नहीं होते हैं, और पता नहीं किन हालात में रहते होंगे वो पीपल। तो हमें यही सही टाइम है कि हम सब मिलकर ज़कात निकालें। और जैसे कि आप सबको पता है, रमज़ान भी बहुत ज़्यादा करीब है और रमज़ान की प्रिपरेशंस भी करना है, और साथ ही साथ दुकान में भी स्टॉक्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। तानी बस अल्लाह ही रहम करे हमारे ऊपर। और वही सामान थोड़ा सा मिल गया था हमें, रेगुलर एसेंशियल्स, और फ्रिज में के जो सामान होते हैं दही और कर्ड, स्पंजेस, स्टफ़ लाइक दैट, वो बस थोड़े से स्टॉक में थे। तो हम सोचे चलो उठा लें इसे। वैसे भी इस शॉप में तो सिर्फ एक ही पर्सन अलाउड है और एक से ज़्यादा अलाउड नहीं है। सो बहुत ही ज़्यादा टाइट जा रहा है यहाँ का हालात। और US में तो बहुत ही ज़्यादा डेथ्स हुए हैं, 20,000 के ऊपर जा रहे हैं डेथ्स की डेथ रोल, और साथ ही साथ इकॉनमी तो पूरी डाउन जा रही है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि इतने सारे लोग इसकी डेथ हो रही हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जो मूवी नाइट्स कर रहे हैं इन दिनों में, जबकि ऐसा कोई चीज़ करनी भी नहीं चाहिए। दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग टेंशन में आकर अपने आप को डिप्रेशन में डाल ले या फिर एंग्जाइटी में आ जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। बस इस मामले को थोड़ा सा सीरियस लिए और अपने आप को हाइजीन में रखें, हैंड वॉश ज़रूर करें, और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट। और घर को तो बहुत साफ़ रखना है, क्योंकि बता नहीं ये वायरस ऐसा है कि मेटल पर ये 9 to 12 आवर्स रहता है और कपड़ों पे 9 आवर्स के लिए। तो अपने कपड़ों को भी बहुत अच्छे से थरली वॉश करना है वॉशिंग मशीन में, और बर्तन तो हॉट सोपी वाटर में धोना है। बहुत ही ज़्यादा क्लीननेस रखना है अपने को। और मैं क्या सुनाऊँ, हमारे तो यही सी ऐसी दिन जा रहे हैं। बस पढ़ने के तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मुझे, मैं उतनी रेगुलर नहीं। बस एक छोटा सा मैसेज देना था और यही मैसेज मैं आप सबको दे चुकी हूँ। होप कि आप सब इसे सीरियस ले रहे हैं, और गाइस डोंट गो इनटू डिप्रेशन और एंग्जाइटी और स्टफ़ लाइक दैट, क्योंकि न्यूज़ में यही बता रहा है कि स्टूडेंट्स, मुझे एक्चुअली ये कैंसिलेशन का पता नहीं था, और न्यूज़ आने से पहले हर स्टूडेंट एक्चुअली एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिएशन एंग्जाइटी हो जाती थी, और दानी बहुत ही टाइट हालात थे अंटिल की ये जो टी शॉक है। हमारा प्राइम मिनिस्टर लियो वराडकर ने बताया कि एक्चुअली कैंसल्ड हो चुका है, सो वी वर एक्चुअली रिलीव्ड। तो होगा ये हमारा स्टेट एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर सम टाइम हो जाएगा। ये अल्लाह करे कि जल्द से जल्द हट जाए वायरस, और बस नाउ इज़ द टाइम आप सबको, चाहे आप एक चाइल्ड हो या फिर एडल्ट हो, आपको अपनी फैमिली को टाइम फर्स्ट देना है।
और उससे पहले अपने आप को फ़र्स्ट टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दिए तो फिर आप फैमिली को कैसे देखेंगे। सो मेरा बोलना ये है कि अपने आप को भी ख्याल रखें, दूसरों का भी रखें, और साथ ही साथ रमज़ान की कुछ प्रिपरेशंस कर लें ताकि आपको एक बर्डन ना लगे। लाइक रमज़ान पे ना कुकिंग होती है और साथ ही साथ कितने काम होते हैं रमज़ान में, इबादत करना होता है, 5 वक्त रेगुलर नमाज पढ़ना होता है, ऐसे जो हर रोज़ पढ़ते हैं। तो गाइस ये मेरा था छोटा सा मैसेज, आई होप आप सबको ये अच्छा दिखा, और अगर आपको ये पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो ए बिग थम्स अप, एंड फाइनली कमेंट करना तो ज़रूर मत भूलें। और साथ ही मैं ये भी बोलूँगी, अगर आपके पास सिबलिंग्स है, छोटे सिबलिंग्स, मेरे पास भी है, सो मैं तो बड़ा ख्याल रखती हूँ उनका और वो बहुत मुझे केयर करते हैं। आप भी अगर आपके पास सिबलिंग्स है ज़रूर केयर करें उनका, क्योंकि हमें टाइम तो नहीं मिलता है सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करने का उतना ज़्यादा का। सो गाइस नाउस द टाइम, आप टाइम वाइसली स्पेंड करें और साथ ही साथ अपना ख़ुद का ख्याल भी रखें। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ गाइस, हैंड वॉश ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, 5 वक्त की नमाज कंपलसरी, और साथ ही साथ चलती हूँ मैं, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। टिल देन गाइस मैं आप सब के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें और दूसरों का भी रखें। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। मैं आप सबको बता दूं कि ये सामान किस चीज़ के लिए लेकर आए हैं हम इधर। ऑब्वियसली टी बैग्स, टी के लिए हम दूध की चाय पीते हैं यानी मिल्क टी, सो वो हो गया। और इधर हेलमेंट्स की मेयोनीज, आप चाहें तो चीज़ सैंडविच भी बना सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाएं और उधर एक चीज़ सैंडविच की रेसिपी होगी, उसको देखना मत भूलें। ट्यूना फिश सैंडविच बन सकती है मेनू, इससे बहुत डिलीशियस बनती है। सो गाइस ये जो मेयोनीज है, हम इसकी ट्यूना फिश सैंडविच बना सकते हैं, और बहुत सिंपल होती है और बहुत इजी भी। मेरे चैनल पर इसकी वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। और लेमन जूस हम बना रहे हैं चमचम और रसगुल्ला के लिए भी, ये बहुत हैंडी होती है। सो और टमाटर के कैन जो है बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट्स में, जैसे कि हमारे पास फ्रेश टमेटोज नहीं मिलते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर हम यहाँ पर फ्रेश टमेटोज पाई।